हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईजे एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। इस लेक्चर में मैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड का जो लास्ट पार्ट है यानी कि कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। अब कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका जो है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है एंटार्क्टिका के बारे में वो ये है कि ये वाहिद वो कॉन्टिनेंट है जो ऑलमोस्ट हमारे एंटार्क्टिक सर्कल के साउथ में आता है। तो इट इज अ सिंगल कॉन्टिनेंट दैट इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एंटायरली साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल। तो एंटार्क्टिक सर्कल क्या है, आर्कटिक सर्कल क्या है, तो इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस मैं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं आपको पूरा यहाँ पे वर्ल्ड का एक ओवरव्यू दे दूं कॉन्टिनेंट्स का, कंट्रीज का, और बाद में मैं आपको वो पॉइंट्स दिखाऊं। जब मैं वो दिखाऊंगा आपको तो आपको बहुत इजी वहां पे वो होगा, आप खुद देखेंगे फिर। तो एंटार्क्टिका सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जो आपको एंटार्क्टिक सर्कल में मिलेगा। इसके बाद एंटार्क्टिका का अगर माने देखेंगे आप तो इट मीन्स अपोजिट द आर्कटिक, है ना। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट भी हमारे अर्थ पे कौन है, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ जो है वो एंटार्क्टिका है, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है, प्रीवियस पेपर्स में मुझे ये क्वेश्चन मिला कि जो हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का वो कौन है, तो हाईएस्ट कॉन्टिनेंट जो अर्थ का है वो एंटार्क्टिका ही है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बंदे क्योंकि उनको लगता है कहाँ हाईएस्ट होगा, ये तो लोवेस्ट हो सकता है, लेकिन ना ना, ये जो हाईएस्ट कॉन्टिनेंट अर्थ पे आपको दिखेगा वो आपका कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका है। क्या है, कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, है ना। तो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है ये यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ पे। अब अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, एक कॉन्टिनेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको जो थिकनेस, बहुत ज्यादा थिकनेस दिखेगी आइस की, है ना। तो इट हैज अ ग्रेट थिकनेस ऑफ आइस, है ना। और अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं जगह आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो आइस की डेप्थ है तो कहीं कहीं जगह आपको यहाँ पे 4800 मीटर्स की डेप्थ भी दिखेगी आइस की। तो इतना यहाँ पे थिकनेस है किसकी, आइस की। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, एंटार्क्टिका जो है ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई कोस्टल प्लेन नहीं है, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई कंट्री नहीं है, ना यहाँ पे कोई कोस्टल प्लेन आपको मिलेगा और ना यहाँ पे कोई आपको कंट्री मिलेगी, है ना। बल्कि यहाँ पे आपको कुछ वोल्केनोज मिलेंगे जो आज भी यहाँ पे एंटार्क्टिका पेनिनसुला के अंदर एक्टिव है, है ना। अगर आप देखेंगे तो 90% जो यहाँ पे एंटार्क्टिका है तो यहाँ पे आइस कवर आपको मिलेगा, इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई इनहेबिटेंट्स नहीं है और यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो जो 70% दुनिया का फ्रेश वाटर है वो यही पे है। और एंटार्क्टिका की बात करूं मैं तो कॉपर, तो गोल्ड, है ना, कॉपर, गोल्ड, निकल, पेट्रोलियम एंड प्लैटिनम, यहाँ पे ये रिजर्व्स आपको मिलेंगे। तो एंटार्क्टिका अगर आप देखेंगे तो यहाँ का हाईएस्ट पीक है जिसे हम कहते हैं विन्सन मैसिव। क्या कहते हैं, विन्सन मैसिव। तो विन्सन मैसिव जो है ये यहाँ का क्या है, तो विन्सन मैसिव इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो लॉन्गेस्ट रेंज है दैट इज ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। क्या है, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स यहाँ का क्या है, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स यहाँ का लॉन्गेस्ट रेंज है, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स यहाँ का लॉन्गेस्ट रेंज है। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, एंटार्क्टिका से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो एंटार्क्टिका आपको लगता है शायद लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ की रिसर्च स्टेशन आपसे पूछते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज के अपने अपने रिसर्च स्टेशन है, तो यहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन आपको दिखेगा वो है यूएसए का। तो यूएसए के जो स्टेशन है उसको हम कहते हैं मैकमुर्डो। क्या कहते हैं, मैकमुर्डो। मैकमुर्डो स्टेशन जो है यहाँ का लार्जेस्ट स्टेशन है, और मैकमुर्डो स्टेशन जो है ये यूएसए का ही यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। तो यहाँ पे इंडिया के भी कुछ स्टेशन है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका अलग से करवाया। तो इंडिया के जो स्टेशन है एंटार्क्टिका में वो कौन कौन है, तो यहाँ पे याद रख मायत्री। क्या याद रख, मायत्री। और यहाँ पे याद रख एक और नाम जिसे हम कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मायत्री एंड दक्षिण गंगोत्री ये जो स्टेशन है, ठीक है,
ये स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टेशन इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। नीचे चार ऑप्शंस देगा और इनमें से कोई होगा, है ना। तो मायत्री एंड दक्षिण गंगोत्री याद रख कि ये इंडियन स्टेशन है कहाँ पे, एंटार्क्टिका में। अब एंटार्क्टिका जो है ये एक और चीज के लिए भी फेमस है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि विंटर्स के अंदर होता क्या है, तो विंटर्स के अंदर होता ये है कि तीन महीने यहाँ पे जो पोलर रीजन्स हैं वहां पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे डार्कनेस आपको मिलेगी। यहाँ पे कंटिन्यूअस जो तीन महीने की बिल्कुल यहाँ पे कोई लाइट नहीं होती है, खाली नाइट यहाँ पे होती है तीन महीने के लिए, है ना। अब क्या होता है कि तीन महीने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे डार्कनेस आपको दिखेगी पोलर रीजन में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इस पीरियड के अंदर, इन तीन महीने के अंदर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ ब्रिलियंट कलर लाइट्स यहाँ पे दिखती हैं। तो ब्रिलियंट जो यहाँ पे कुछ लाइट्स आपको दिखेगी, है ना, तो ब्रिलियंट कलर लाइट्स आपको कुछ दिखती हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा अपर एटमोस्फियर है वहां पे कुछ मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उस मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से कुछ कलर्ड लाइट्स यहाँ पे होती है। उन कलर्ड लाइट्स को अगर आप देखेंगे तो उनको कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना। और दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है उसको हम कहते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस। अब जो यहाँ पे जो ये ब्रिलियंट कलर लाइट्स है, और नॉर्थ में इनको कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और साउथ में इसको कहा जाता है अरोरा बोरियालिस। क्योंकि पोलर रीजन्स तो आपको नॉर्थ में भी दिखेंगे और साउथ में भी दिखेंगे। अब नॉर्थ और साउथ में तीन तीन महीने की यहाँ पे डार्कनेस रहती है, और इस डार्कनेस में क्या होता है, कभी कभी आप कुछ यहाँ पे ब्रिलियंट कलर्ड लाइट्स होती हैं, जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है वहां पे कुछ मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होती हैं, उनकी वजह से यहाँ पे कुछ कलर्ड लाइट्स यहाँ पे होती हैं इन नाइट्स में। तो अगर ये नॉर्थ में होगी तो इसको कहा जाता है और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और यहाँ पे अगर ये साउथ में होगी तो इसको कहा जाता है अरोरा बोरियालिस, है ना। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर सीरीज ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले आपको समझाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन्स जो हमारे अर्थ की हैं, जैसे इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, किस किस कॉन्टिनेंट के थ्रू, किस किस कंट्री के थ्रू ये पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद जो वीडियोज आएंगे वहां पे हम इंडिया को डिस्कस करेंगे, इंडिया की फिजियोग्राफी, है ना, वहां पे पोलिटिकल डिविजन्स, वहां के फिजिकल डिविजन्स, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस वहां पे हम देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको वहां पे हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बनिए रहे, और चीजों को जितना हो सके इनको बार बार रिवाइज कीजिए, अपनी जो कॉपी है उन पे इनको नोट कीजिए, बार बार चीजों को लिखिए, बार बार इस मैप की प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जो करंट अफेयर है इससे स्ट्रांग होगा। क्योंकि जितनी भी प्लेसेस आती हैं आपको पहले उनका एक आइडिया होना चाहिए माइंड में। अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, कल को अगर कोई प्लेस न्यूज में है, जैसे ईरान का कोई प्लेस यहाँ पे न्यूज में है, जैसे कोई अफगानिस्तान की प्लेस न्यूज में है, तो आपको पहले एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ मैंने ये सुना है, ये नाम मैंने सुना है, ये एशिया जो है यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर आता है अफगानिस्तान। तो ऐसे आपका आइडिया होना चाहिए। और बाद में जो भी यहाँ पे प्लेस न्यूज में आएगी ना, आप अपने एटलस से उसको देखो, आप देखो कि कहीं यहाँ पे कोई फिजिकल फीचर तो मत है, यहाँ पे कोई नेशनल पार्क तो मत है, यहाँ पे कोई रिवर तो मत है, यहाँ पे कोई लैक तो मत है। तो उसी अकॉर्डिंग से आप अपने यहाँ पे नोट्स में एडिशंस कीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि एक स्मार्ट अप्रोच आपका बनेगा, और आपकी पकड़ यहाँ पे करंट अफेयर के ऊपर बहुत ज्यादा बनेगी इससे, है ना। तो जब तक आपका मैप क्लियर नहीं है ना, तब तक आप करंट अफेयर में सफर करोगे। और अगर आपका ये अगर आपने पूरी तरीके से लेक्चर्स को देखा हो, इनको समझा हो, और बार बार इनको अपने एटलस से किया हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी आपके साथ, है ना। अगर कोई भी प्लेस अब न्यूज में होगी तो आप कर सकते हैं। जैसे आप आपके सिलेबस में यहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको ब्रिक्स, सार्क, यहाँ पे बिमिस्टिक। जब तक आपको पता नहीं होगा कि म्यांमार कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, है ना, ब्राजील कहाँ पे है, जैसे ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स की कंट्रीज है ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। जब तक आपको ये कंट्रीज की लोकेशन पता नहीं है तब तक चीजें याद नहीं रहती हैं। और अगर आपको ये लोकेशंस पता है तो बहुत यहाँ पे इजी होगा आपके लिए, है ना। तो आई होप कि यहाँ पे ये लेक्चर्स आपको पसंद आए, ठीक है। लास्ट में मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा।
वो ये है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ लोकल विंड समझाए थे और एक इम्पॉर्टेंट लोकल विंड मैंने आपको बताया था जिसको हम कहते हैं चिनूक, है ना। तो चिनूक अगर आपको याद होगा तो जो हमारे रॉकीज हैं, रॉकीज के लीवर्ड साइड पे आपको मिलेगा, और मैंने आपको बताया कि चिनूक को यहाँ पे स्नो ईटर भी कहा जाता है ना। तो अगर आपसे पूछे कि चिनूक कहाँ का लोकल विंड है, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में अगर आपको याद होगा तो वहां पे पूछा था लू, है ना, जो नॉर्दर्न जो इंडिया है वहां पे जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं उनको क्या कहा जाता है। नीचे चार ऑप्शंस थी और एक ऑप्शन जो थी लू थी। तो अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे आपको दो चार यहाँ पे पता है तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बनेगा। जैसे चिनूक जो है दिस इज द लोकल विंड ऑफ रॉकीज, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे फोन है ना, तो फोन जो है इट इज द लोकल विंड ऑफ एल्प्स, है ना। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे है जोंडा, अब जो जोंडा है इट इज द लोकल विंड इन अर्जेंटीना, कहाँ पे अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना मैंने आपको बताया है कि ये एक कंट्री है, किसकी कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, है ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो एंटार्क्टिका के दो रिसर्च स्टेशन आप याद रखिए इंडिया के, एक है मायत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, है ना। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर सेशन एंड दिस वॉज अवर फर्स्ट सेशन दैट वॉज पोलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड। और इसके बाद हम कुछ यहाँ पे लाइन्स डिस्कस करेंगे और लाइन्स के बाद सीधे हम आपसे यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी या जिसे हम कहते हैं इंडियन जो पोलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन है उनको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, है ना। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।